हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर हमारा मोटिवेशन लेवल हाई है तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है, हमारा कंडक्शन बेहतर होता है। और इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारा जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाए, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन हो जाए। और उसके लिए हम सब क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं। तो आजकल बुक्स पढ़ने का तो ज़माना है नहीं, तो हम देखते हैं वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं और वो हमें बहुत अपील करती हैं। एंड हम सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम एकदम एनर्जाइज्ड हो गए हैं, हमारा मोटिवेशन बूस्ट हो गया है। लेकिन अगले कुछ समय बाद, अगले ही कुछ घंटों बाद, हमारा वो सारा जो मोटिवेशन होता है वापस ज़मीन पे आ जाता है। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो इतने थोड़े से समय के लिए क्यों होता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोटिवेशनल वीडियो सचमुच हमें हेल्प करते हैं या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और कुछ कंडीशंस में ये व्यक्ति के लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकते हैं। यस, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक मोटिवेशनल वीडियोस देखने या मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनको फॉलो करने के चक्कर में लोग कई बार अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और यहाँ तक कि कुछ कंडीशंस में इतना सीवियर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है एंड पर्सन का जो सेल्फ होता है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है, जो उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी होती है, वो पर्सन लूज़ कर देता है, उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, और उससे उसको उबरने में फिर काफ़ी लंबा समय लगता है। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि क्या है मोटिवेशनल वीडियोस के कुछ नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं जो वीडियोस होते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, आपने देखा होगा उसमें जो स्पीकर्स होते हैं मोटिवेटर्स, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो लाइफ के ऐसे एग्जांपल्स सेट करते हैं आपके सामने जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इनफैक्ट हर वीडियो में आप देखेंगे कि वो आपको सक्सेसफुल बनने की बहुत सारी ट्रिक्स बता रहे होते हैं, लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे होते हैं कि आप पर मंथ लाखों रुपए कमा सकते हैं। और स्पेशली मोटिवेशनल स्पीकर आपको छोटा सोचने के लिए या एवरेज सोचने के लिए एकदम मना करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि आपको कभी भी जो सोच होती है वो छोटी नहीं रखनी है, एवरेज पर मत सोचो, हाई लेवल पर सोचो। और इस तरह की जब आप बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं तो आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हैं। और एक व्यक्ति जो बहुत ही लो लेवल पे है, अभी उसकी स्टार्टिंग है उसकी लाइफ में, उसका करियर वो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पे वो मोटिवेशनल वीडियोस के इन्फ्लुएंस में बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाता है। एंड अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या होता है कि जब उसको कुछ छोटा सा ऑफर आता है उसकी लाइफ में तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं तो बहुत ही महान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये छोटी मोटी जो नौकरियाँ ये मुझे नहीं करनी है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो छोटे छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ी बातें करना गलत नहीं है, लेकिन बातें रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप रियलिस्टिकली उसको अचीव कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो जो शुरुआत होती है वो कहीं से भी हो सकती है, वो कभी भी छोटी नहीं होती है। एंड इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटिवेशनल वीडियोस में कि जो स्पीकर्स होते हैं वो सपने दिखाते हैं, आपको बताएंगे कि आपके पास आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपके पास में आपकी ऐश आराम के बहुत सारे साधन होंगे, आपकी लाइफस्टाइल एकदम लैविश होगी। और आप ये सोचिए कि ऐसा कौन नहीं चाहता, ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और नतीजा क्या होता है कि मैक्सिमम लोग, जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस लगातार लंबे समय तक देखते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं। ये इसका सबसे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। जी हाँ, ये सच है, मोटिवेशनल वीडियोस लगातार देखने की वजह से लोगों को इसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है, और वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, यानी कि दिन में सपने देखने लगते हैं। और नेचुरल है, अगर आप दिन में सपने देखेंगे तो
तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कब करेंगे? तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि ज़्यादा लंबे समय तक मोटिवेशनल वीडियोस देखने की वजह से लोगों को डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं वो इमेजिनेशन लेवल पे ज़्यादा काम करने लग जाते हैं और वो उस तरह की बातें सोचने लग जाते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने उनको सजेस्ट की थी, ना कि वो एक्चुअली वर्क करते हैं और जो अपनी रियलिटी है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो नुकसान ये है कि सपने देखने से सपने हकीकत में नहीं बदलते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने सपनों को सर्च करने की डायरेक्शन में कुछ काम करने पड़ते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि जो मोटिवेशनल वीडियोस का इम्पैक्ट होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो इतना टेम्प्ररी क्यों होता है? फ्रेंड्स, जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप किसी चाबी वाले खिलौने में चाबी भर देते हैं, तो जितनी देर आपने चाबी भरी है उतनी देर तो चलेगा, उसके बाद में रुक जाएगा। या फिर जैसे किसी हम बलून में हवा भर देते हैं, तो अब हवा भर दी, आपको ऐसा लगता है कि आप मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। एक्चुअली आइडियाज़ आ नहीं रहे, आपने जो सजेशंस मोटिवेशनल वीडियोस में आप सुन रहे हैं बस आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो गाड़ी है ना वो धक्के से नहीं चलती है, आप चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, आप बलून भी नहीं है क्योंकि हवा भर दें और आप उड़ जाएंगे, गाड़ी चलती है खुद से, अपने खुद के दम पर। तो जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो आपका जो मोटिवेशन है ये आपके अंदर नहीं है, एक्चुअली ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसकी एक्सपर्टीज़ है, ये उसकी योग्यता है, उसकी काबिलियत है कि उसने अपनी बातों का असर आप पे कर डाला और आपको लग रहा है कि आपका मोटिवेशन हाई हो गया है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो आपके दिमाग से निकलेगा थोड़ी देर बाद में आप बिल्कुल वहीं के वहीं वैसे के वैसे। सो ऑलवेज रिमेंबर, मोटिवेशनल वीडियोस का इफ़ेक्ट टेम्प्ररी होता है हमेशा, इसलिए क्योंकि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये उनकी बातों का असर है। इंटरनली आपके अंदर खुद ये सेल्फ इनिशिएटेड प्रोसेस है, जब आप अंदर से मोटिवेटेड होते हैं गाड़ी तब चलेगी, धक्के गाड़ी से आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो ये पुश फैक्टर होता है ना, इसीलिए ये टेम्पररी होता है। आप देखिए किसी भी गाड़ी को आप धक्का मारेंगे तो वो नहीं चलेगी। तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये चाबी से चलने वाले खिलौने नहीं है या फिर आप कोई धक्का गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी चलेगी आपके खुद के दम से, आपकी खुद की काबिलियत से। एंड इसके बाद बात करते हैं एक और जो सीरियस मिस्टेक होती है जिसकी वजह से जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं उसका इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। एक जो सबसे सीरियस मिस्टेक है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके अंदर एक अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज डेवलप कर देते हैं। आप गौर करें कि जब भी आप मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं तो जो स्पीकर होता है वो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आपको देती है। तो जब आप उतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इनफैक्ट आप सब कुछ कर सकते हैं। जी नहीं, आप सब कुछ नहीं कर सकते, हर कोई इंसान हर कुछ नहीं कर सकता। हमारी जो पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन का जो इम्पैक्ट है पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होता है। एक व्यक्ति क्या करेगा, किस चीज़ के लिए वो मोटिवेशन फील करेगा, वो उसके जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आप जिस चीज़ के लिए अच्छे हैं, जिस काम को करने में अच्छे हैं, आप उसमें अगर आप कोशिश करेंगे तो आप मोटिवेशन भी फील करेंगे और आप वो काम अच्छे से भी कर पाएंगे और उसमें आपकी सक्सेस के चांसेस भी होंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि ये मोटिवेशनल वीडियोस देखने के चक्कर में लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी जो भी उन्होंने देखा है करते हुए वो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि ये यूट्यूब वीडियोस बना के आप अच्छा करियर सेट कर देते हैं, यूट्यूबर बन जाइए, तो यूट्यूबर बन जाते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आप उनकी जो प्रोग्रेस है उसको नोटिस करें तो देखेंगे कि लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते, इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने सजेशंस पे काम किया है,
दूसरों के सजेशंस पे, और उन लोगों के सजेशंस पर जो लोग उन्हें जानते नहीं थे। एक मोटिवेशनल गुरु को या जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसे थोड़ी पता कि आप जो सुन रहे हैं आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या आप बिजनेस करने के लिए बने हैं, क्या आप यूट्यूबर बनने के लिए बने हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बता सकती हूँ। तो ऐसे ब्लाइंड फेथ करके एक भेड़ चाल के तौर पे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो कहा है, जो सजेशंस दिए हैं, लोग उन्हें फॉलो करने लग जाते हैं बिना ये जाने कि वो खुद कौन है। तो एक्चुअली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये कि लोग जो व्यूअर्स हैं मोटिवेशनल वीडियोज़ के चक्कर में अपनी जो सेल्फ इमेज है उसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं, एक अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज बन जाती है उनकी। वो ये जान ही नहीं पाते कि वो खुद कौन है, वो खुद क्या कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, और बिना ये जाने बस जो वो सजेशन मिलता है वो फट से उनको लगता है कि यही काम उनको करना चाहिए, क्योंकि ये गारंटीड बता रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे करके बस वो सक्सेसफुल हो गए। तो मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि इतने सारे लोग कुछ स्टार्ट तो करते हैं लेकिन अल्टीमेटली जब वो फेल होते हैं, फेलियर फेस करते हैं, दे बिकम डिप्रेस्ड। ये है सबसे बड़ी परेशानी कि आप जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और उन पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, ये एक्चुअली आपको हार्म प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या है कि मोटिवेशनल वीडियोस गलत है देखना, या ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये कुछ गलत कर रहे हैं? जी नहीं, एक्चुअली मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं ये भी अच्छे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कुछ गलत नहीं कर रहे। किसी को मोटिवेट करना, किसी को पुश करना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, ये उनका बिजनेस है और ये उनकी इन्फ्लुएंशियल पावर है, ये उनकी परस्यूएबिलिटी है कि वो इतने बड़े क्राउड को परस्यू कर पा रहे हैं, सजेस्ट कर पा रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन जो एक छोटी सी मिस्टेक है वो है व्यूअर्स के पार्ट पर कि जो उन्हें सुनते हैं, जो उन्हें देखते हैं, वो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। बेस्ट जो पार्ट है मोटिवेशन का कि मोटिवेशन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एक व्यक्ति को किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा ये उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम सबको एक किसी एक सिंगल पॉइंट पर सेम फॉर्म में मोटिवेट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा कि मैं सबको बोलूँ कि आप सब लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के, क्योंकि सब लोग लाखों रुपए नहीं कमा सकते। अगर मैं बोलूँ कि आप सब लोग बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये गलत होगा क्योंकि सब लोग बिजनेस करने के लिए नहीं बने हैं। हर कोई व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और उसका जो मोटिवेशन होता है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जो व्यक्ति है उसका जो मोटिवेशन है तभी वर्क करेगा जब वो सेल्फ स्टार्टेड होगा, जब मोटिवेशन उसके अंदर से होगा। एंड नो डाउट बाहरी चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे अगर आप एक चींटी को देखें वो भी आपको मोटिवेट कर सकती है, आप किसी को भी देख के मोटिवेटेड फील कर सकते हैं एंड वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जब तक खुद से ये मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप वो जो बातें होंगी वीडियो की उनको आप बहुत देर तक आगे कैरी नहीं कर पाएंगे, वो बातें थोड़ी देर में अपना इफ़ेक्ट ख़त्म कर देंगी। सो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ रीज़न जिनकी वजह से हम देखते हैं कि जो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं उनका असर बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है और कुछ खास उसका इम्पैक्ट आता नहीं है, उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। लोग कई दिनों तक, महीनों तक लगातार मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा आगे मूव नहीं कर पाते और कई केसेस में तो ये बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम मोटिवेशन के कुछ और जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।